कैसी लगी मूवी आपको? कौन आपको ज्यादा पसंद आया? जानवी कपूर कैसी लगी? आउट ऑफ 5? थैंक यू। बहुत अच्छी। जानवी कपूर कैसा लगी? बहुत अच्छी। ओके थैंक यू। कैसी लगी यार? एकदम पका हुआ है, कोई मतलब नहीं पिक्चर का। सर क्यों पका हुआ? अरे कुछ भी नहीं है उसमें। जानवी कपूर वो ठीक लगी, और बाकी बाकी दो हीरो है वो ठीक लगा, एक्टिंग अच्छी किया उसने। और स्टोरी अगर स्त्री से कंपेयर किया जाए तो वो हटके है बहुत, स्त्री अच्छी थी इससे। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 2 स्टार। ठीक है सर, कैसी लगी पिक्चर? मस्त है। क्या अच्छा लगा? अच्छा है, अलग अलग कुछ देखने मिला इतने दिन के बाद। स्त्री जैसे? हाँ अच्छी है, उसके मुकाबले में नहीं है। 5 में से कितना स्टार? 3.5। बिलो एवरेज। परफॉर्मेंस इज गुड, राजकुमार राव का परफॉर्मेंस इज गुड, जानवी कपूर्स परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, बट कॉमेडी टोटल फ्लैट। या वरुण शर्मा, बट दैट हिज लव स्टोरी एंगल, दैट्स टोटल मीन्स बिकम मूवी बिकम्स नॉनसेंस इन दोज पार्ट्स, हिज लव स्टोरी पार्ट। एंड कॉमेडी इज ऑल्सो फ्लैट, बट हॉरर सीन्स आर रियली गुड, मीन्स इट गिव्स अस गूज़बम्प्स। स्त्री वॉज अ वेरी वेल मेड फिल्म, वो तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, आई हैड वॉच दैट फिल्म। या आई नो, एंड भेड़िया एंड भेड़िया विल ऑल्सो कम नेक्स्ट ईयर, और उसका टीजर तो ज़बरदस्त था, और आज लगाया भी था तो थिएट्रिकल में टीजर ज़बरदस्त लगा। सॉन्ग्स भी ओके। सी मूवी में खराब सीन्स आर मीन्स कॉमेडी फ्लैट है, टोटल फ्लैट है, एंड पॉजिटिव पॉइंट्स आर एक्टिंग परफॉर्मेंस एंड हॉरर सीन्स आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ द फिल्म। एंड जानवी कपूर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो गुड वेरी मच, बट कॉमेडी कुड हैव बीन बेटर, वो मतलब फ्लैट हो जाता है। बोल नहीं सकते क्योंकि अभी ऑडियंस आर ऑल्सो नॉट कमिंग, तो अभी कोई बड़ी फिल्म जैसे मुंबई सागा या फिर सूर्यवंशी के लिए वेट कर रहे पीपल। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर सूर्यवंशी, पता नहीं वो कब आएगी। दैट फिल्म ओनली कैन ब्रिंग बैक ऑडियंस इन थिएटर्स। 2 स्टार्स। कैसी लगी पिक्चर बेटा? अच्छी है। जानवी कपूर कैसा? हाँ वो तो एकदम अच्छी लगी। अरे बोला तो हर बार मैं भूल गया। पिक्चर अच्छी थी, सब अच्छे, एक्शन उक्शन सब अच्छा था, और बोल हीरोइन अच्छी लगी, जानवी कपूर। हीरो भी अच्छे थे, एक पे दो मतलब। गाना कौन सा अच्छा लगा? गाना वो लास्ट वाला, लास्ट में जो बजा। हाँ मूवी ठीक है, इतनी खास नहीं है, लेकिन जितना मैंने जानवी कपूर से एक्सपेक्टेशन नहीं किया था वो यहाँ पे निकला। बस जानवी कपूर की एक्टिंग थोड़ी दिखी, मतलब एज एन स्टार किड ठीक लगी मेरे को, इतना खास नहीं, लेकिन मूवी से मैंने जितना एक्सपेक्टेशन रखा था। स्त्री नाम लिखा है कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री से 2% भी नहीं है बॉस। स्टोरी एकदम वीक, राइटिंग तो प्रॉपर वीक, ऐसा ही बोल सकते हैं बॉस। जानवी कपूर भूत दिखी, अभी रियल लाइफ में कितनी भूत दिखते हैं मेरे को नहीं पता, पर अभी उसको देखा नहीं है, लेकिन इधर देखा तो पक्की भूत लगी भाई। अच्छी दिखी है, बट जितना मतलब श्रद्धा कपूर थी ना, नहीं इतना बोल सकते, लेकिन मूवी का राइटिंग थोड़ा और अच्छा रहता तो ना पिक्चर कुछ और रहती थी। अभी कोविड चल रहा है, लोग डरे हुए, इसलिए पब्लिक इधर देखने आई कि एंटरटेनमेंट हो जाए। एंटरटेनमेंट का ए नहीं है, कॉमेडी इतना डल, मतलब इतना फेक। और राजकुमार राव जैसे एक्टर को तो आप ले रहे हो, आप जो दूसरे वो उनका नाम तो मेरे को पता नहीं, वरुण उनको इतना अच्छे से प्रेजेंट तो करो, उनकी एंट्री वाइज भी इतना डल। अरे जानवी कपूर की एंट्री, अरे माय गॉड, मतलब इतना, लेकिन वो डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग डर नहीं, उनके ऊपर हंस रहे हैं, भूत दिख रही है लेकिन हंस रहे हैं। अब ये सस्ती एनाबेला दिख रही है, आई डोंट नो।
बट मूवी ठीक है, इतना नहीं है लेकिन वन टाइम वॉचेबल है. लेकिन जो अभी ऐसा बोला नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है हार्दिक मेहता, अभी मैं बोलूँ तो नेशनल अवार्ड तक तो मूवी है ही नहीं, फिल्म फेयर तक भी नहीं है. दिनेश विजन का प्रोड्यू मतलब एज अ प्रोड्यूसर है, लेकिन ठीक है वन टाइम वॉचेबल है, पैसा आ भी सकता है, वसूल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी डिपेंड्स, अभी सामने वाले का डिपेंड. लेकिन मेरा पैसा 50% वसूल हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ जाह्नवी कपूर की वजह से ही, ज़्यादा नहीं. डायलॉग डायलॉग ठीक है, मेरे को डायलॉग तो याद नहीं आ रहा है. राजकुमार राव जब वो स्त्री में बोलते हैं ना, अभी एक वल्गर लैंग्वेज आ, हमारी गांड फटी पड़ी है, इधर किसी की भी फटी नहीं पड़ी ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन सब लोग हंस रहे थे कॉमेडी एज एन कॉमेडी वाइज में, हॉरर दो एक्शन दिखाया, हॉरर करने की कोशिश की है लेकिन लगी नहीं इतना. भाई बॉलीवुड में जब तक रीमेक करते रहेंगे ना, तो बॉलीवुड ऐसे ही फिसल जाएगा. तो ये पंगट वो चल ठीक है, ओरिजिनल लगा मेरे को वो भी इतना मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था वैसे तो निकली नहीं फिल्म, मैं तो इतना बोला था. लेकिन वो जो दूसरा गाना था रीमेक किया हुआ, वो तो सबसे बकवास, मुँह पे बोलता हुआ है सबसे बकवास, क्योंकि वो गाने में दम क्या, पाव भाजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, दम आलू क्या, दम भाजी कुछ भी नहीं, मतलब इतना डल. वो अच्छा अच्छा हुआ जो तनिष बागची ने रीमेक नहीं किया, नहीं तो भाई माँ कसम दिमाग पकड़ के दे. और एंड क्रेडिट्स में गाना चले तो कुछ फायदा ही नहीं मूवी का. आउट ऑफ फाइव टू, मैक्स टू मैक्स टू दूंगा, क्योंकि जाह्नवी कपूर की वजह से ही दूंगा, क्योंकि वो एटलीस्ट भूत दिखे इसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. थैंक यू. रूही सोचा कि हॉरर पिक्चर होगी, मजा आएगा देखने में, लेकिन वन वर्ड, एकदम बकवास. जाह्नवी कपूर की इतनी पिक्चर आई नहीं अभी तक, उसको ग्लैमर दिखाना चाहिए था, इसमें उसको भूतनी बता दिया. फिल्म में उसके डायलॉग ही नहीं, पिक्चर में जो भी है पूरी फिल्म 90% पूरी फिल्म भूतनी के रूप में. फर्स्ट हाफ तक तीन ही डायलॉग है, ऐसा लोगों का कहना है. जी हाँ, मतलब तीन का एक भी डायलॉग नहीं है. अच्छा फिल्म में 2.25 घंटे की पिक्चर है, गाने नहीं है उसमें, एंड में गाना आता है जब पिक्चर ख़त्म होती है, मतलब मैड डॉग फिल्म प्रोड्यूसर बाय डायरेक्टर बाय, उसके बाद गाना शुरू होता है, पब्लिक बाहर चली गई. अगर हम स्त्री के साथ में इस मूवी को कंपेयर करें तो आप क्या कहोगे? स्त्री ने 100 करोड़ कमाया था, ये मुश्किल 10% भी होगा. स्त्री तो बहुत जबरदस्त थी, उसमें गाने अच्छे थे, राजकुमार राव का काम अच्छा था, श्रद्धा कपूर का काम अच्छा था, इसमें किसी का काम अच्छा नहीं, ना डरावना है, ना कॉमेडी है, ना मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. पता नहीं कहाँ इनकी राइटिंग देखो ना, कहाँ से कहाँ जा रही है. जाह्नवी कपूर एक भूतने के रूप में आती है तो वरुण उससे प्यार करता है, जब नॉर्मल होता है तो ये प्यार करता है, ये कौन सी कहानी भाई. कॉमेडी की अगर हम बात करें तो कॉमेडी कुछ भी नहीं था, कॉमेडी कुछ भी नहीं इसमें, उल्टा हमको उनको देखकर हमें हंसी आती है कि ये क्या बनाया, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात हो गई. एक भी गाना नहीं है, एंड में गाना था पनगढ़ का गाना, एंड में जब पब्लिक बाहर चली जाती है, क्या कर रहे हैं पता नहीं. 2.25 घंटे की पिक्चर, 2.25 घंटे में अगर आप ना गाने बता पाओगे, ना अच्छी कॉमेडी बता पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो. फिर तीन कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, वो भी जंगल में, आप क्या देखोगे. जब नॉर्मल होती है तो राजकुमार आता है, भूतनी होती है भाग जाता है, कहते तू जा अभी, ये क्या है. जाह्नवी पता नहीं, जाह्नवी को और मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके उसका ग्लैमर बाहर आएगा. वैसे उसके एक दो पिक्चर तो फ्लॉप हो गई है, उसको करना चाहिए और भी, तो आगे आए ना, ये क्या है. क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? ऑडियंस तो आज अच्छी खासी आई थी, इससे पब्लिक ज़्यादा आएगी, लेकिन अभी पिक्चर फ्लॉप हो गई तो मुश्किल है आना. ऐसा लग रहा है मुंबई सागा 19 को पब्लिक आएगी. ओके, 5 में से कितना स्टार देना? अरे बाप रे, मैं तो पिक्चर में सो भी गया था भाई, तो स्टार तो 5 में से एक ही दूंगा. तो जी मूवी कैसा लगी? मूवी जो है जिस हिसाब से मतलब मैं सोचा था उसी हिसाब से नहीं है, लेकिन जो है इतने दिनों के बाद जो है लॉकडाउन से जो है पब्लिक जो है घर पर बैठी थी, अभी 2-3 दिन के बाद देखा जाए तो पूरा साल भर हो गया पब्लिक थिएटर में नहीं आई. लेकिन जो है आज मैं जो है बहुत दिनों के बाद जो है जब स्त्री मूवी आई थी तो यही जो है गेटी में लगी थी, तो मैं 16 आदमी लोग के साथ बैठ के बस शो देखा था. आज जो है उसका सेकेंड पार्ट जो है रूही अफ़ज़ा करके लगी है, ये मूवी में जो है
लॉकडाउन के बाद भी जो है इतनी मूवी लग के गई लेकिन इतनी पब्लिक नहीं थी, जिसमें आज जो है गेटी गैलेक्सी में 50 से 60 पब्लिक 12 के शो में आए थे, क्योंकि 12 का शो ऑलरेडी था। अभी तक दो ढाई तीन महीना हो गया थिएटर चालू होके, सिर्फ कैंसिल ही कैंसिल थिएटर में मूवी हो रही थी, लेकिन ये मूवी में आज जो है 50-60 पब्लिक मैं देखा और उनके साथ बैठ के देखा। और रहेगी मूवी की बात रहेगी तो मूवी जो है कुछ है अलग तरीके से, जैसे पकड़ लो 2-in-1, जो कि पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा कि दो हीरो जो है एक हीरोनी से प्यार करता है और एक भूत से प्यार करता है। जब भूत आ जाता है तो दूसरे हीरो को जो है अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है और उसे डर नहीं लगता, और जो दूसरा जो है भाग जाता है, बोलता है तेरी वाली आ गई है, जा तू प्यार कर ले। तो ये जो है ये कुछ अलग जो है ये उस मूवी में दिखाने की दिनेश विजन ने कोशिश की है। ये है कि पब्लिक को जो स्त्री में मिला वो नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, हटके मिलेगा, लेकिन है नहीं। देखिए इसके अंदर जो है मतलब है ये बताया गया है कि कुछ जो है मतलब है ऐसा जो है कहीं कहीं घटना होती है उसके ऊपर मतलब ये बताया गया, लेकिन पहली बार जो है ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है 2-in-1, जो कि भूत आने के बाद जो है उसे अच्छा लगता है, इविल डेड मतलब है उसे डर नहीं लगता, मतलब उसे और भी अच्छा लगता है, जितना वो और भी खूंखार हो जाए और भी डरावना हो जाए तो उसको मतलब है अच्छी अच्छी गाने मतलब है वो कौन थी 20 साल बाद मतलब उसे एहसास होता है। तो ये जो है मूवी जो है मतलब अलग तरीके से, ये है कि ये मूवी के अंदर पंकज त्रिपाठी नहीं है, लेकिन इस मूवी ने जो है श्रीदेवी के लड़की को जाह्नवी कपूर को जो है अच्छी खासी पहचान मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और पब्लिक को पसंद आ रही है, और ये मूवी जो है भले सुपर डुपर हिट ना हो, क्योंकि मूवी जो है ज़्यादा ज़्यादा देखा जाए 1000 या 1200 थिएटर में लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है, और बॉम्बे में देखा जाए तो कुछ 50% है, तभी भी यहाँ पब्लिक 50-60 पब्लिक आई थी। और राजकुमार राव का तो आप लोग जानते ही हैं किस तरीके एक्टिंग करते हैं, और पब्लिक को पसंद आया, और इस हिसाब से देखा जाए पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, बच्चे लोग भी देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए तो बच्चे लोग को ज़्यादा पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग को ये सब सीने और ये डरावना जो अलग तरीके से कॉमेडी जो है वो पसंद आएगा। और मूवी जो है देखा जाए तो छोटी मूवी बनाई गई है, 2 घंटा 14 मिनट की मूवी बनाई, ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं है, चलो अच्छी बात है, उतना ही बड़ा रहना चाहिए और पब्लिक भी बोर नहीं होगी, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। बस यही मैं चाहूँगा कि हर एक दर्शक के यही चाहूँगा कि आप लोग घर पर मत बैठिए, घर पर बैठेंगे तो तरह तरह के बीमारियाँ लगेंगे, मैं यही चाहूँगा निकलो और गेटी गैलेक्सी पहुँचो। देखिए डायलॉग कोई भी मूवी जब अंदर घुसता है तो उसमें कई सीने होती हैं, कई सीन होते हैं, कई क्लाइमेक्स है, लास्ट में क्लाइमेक्स होता है, लेकिन निकलने के बाद जो है किसी के डायलॉग याद नहीं रहता है, पहली बात। और रह गया दूसरी बात, रह गया सब लोग जो है अपने अपने मतलब ये रहते हैं इंजॉयमेंट में रहते हैं कि अब सीन अच्छा लगेगा, अब ये लगेगा, तो इसमें कोई कि डायलॉग ये सब का ये नहीं, हमें उनका परफॉर्मेंस कैसा वो देखना है। तो इसमें जो है जितना उनको क्रेज जाएगा इस मूवी में देखा जाए तो जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव को, ये सेकेंड नंबर राजकुमार राव को, मतलब जाह्नवी कपूर को तो 5 स्टार मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और श्रीदेवी ने तो आज तक तो कोई हॉरर मूवी में काम किया नहीं, इनको जो है इस मूवी से पहचान मिलेगी ज़्यादा, जो कि पहली मूवी से नहीं मिली, लेकिन इस मूवी से पहचान मिलेगी। और आगे जो है मैं यही चाहूँगा ये लड़की को जो भी मूवी मिले वो ब्लॉकबस्टर हो और सुपर डुपर हिट हो, हिट हो। देखिए सॉन्ग के ऊपर जो ये है मतलब है इन्होंने जो है मतलब है कुछ अलग तरीके से जो सीन है उस तरीके का साउंड इन्होंने ये किया है, कैच किया है और डराया है, तो बहुत अच्छा लगा है। और जो कि आप स्त्री में नहीं है, स्त्री से हटके है, आप लोग मैं यही चाहूँगा हर एक दर्शक को आप लोग गेटी गैलेक्सी पहुँचिए 110 में, और क्या चाहिए आपको, मस्त में आइए देखिए और बाद में जो बचता है वो समोसा खाइए, और क्या चाहिए, घर पर बैठने से अच्छा है आइए, और सब लोग जो है पूरी फैमिली के साथ आइए, मैं यही बोलूँगा।
और बैठ के कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हर एक बीमारियां आप लोग देख रहे हैं ये हो रहे हैं। इस मूवी को मैं 2.5 दूंगा। ओके बाय।